रुक जाओ भैया, रुक जाओ, देखोगे और सुनोगे मामला तो कलेजा फट जाएगा, आंखें बाहर निकल आएंगे, शरीर थतरा उठेगा कि बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर धर्मेंद्र यादव और बबलू पहुंच गए थे। किसान नेता भाई साहब छाती चौड़ी के खड़े थे और पीछे भाई साहब कार्यकर्ता खड़े थे, बता रहे थे भाई साहब की सतरिक पुलिस इतना गुटवर करती है, पूछो ना भैया, की बेगुनाहों को जेल भेज देती है। खुद सुनो धर्मेंद्र यादव बबलू क्या कह रहे हैं, लाइसेंस था भाई साहब उसके बाद नाले जाने क्या हो गया। क्या मामला है जो यहाँ आना पड़ा? ये मामला है जैसी रामपुर स्वर्गीय श्यामलाल निवासी ग्राम बबुरिया मजरे जैनाबाद का। इनके ये लाइसेंस धारी हैं पोस्ता की खेती करने के, सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखा है और इन्होंने खेती किया है। जो चीरा लगवा पोस्ता का छिलका बच जाता है वो इनके पास रखा था। पुलिस सत्रिक थाने की पुलिस इतना एडवांस थी, इतना तेज थी, इतना गुड़वर करने में बेकरार थी कि उन्होंने किसान, एक गरीब किसान को जो गरीब है, असहाय है, जिसके पास घर नहीं है और वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने परिवार को लेकर रह रहा है, उसके पास जो चीरा लगा हुआ छिलका रखा था उसमें, बल्कि इनके पास जो लाइसेंस है उसमें ये भी लिखा है कि 31 जुलाई तक इनको रखने का इनके पास अधिकार है, उसके बावजूद पुलिस ने इन पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको रातों रात जेल भेज दिया। एक गरीब किसान के साथ जिस तरह से सत्रिक थाने की पुलिस ने व्यवहार किया है, इस वजह से आज हम लोग आए थे DM साहब से मिलने और ADM साहब से मिले भी हैं और उनको ज्ञापन दिया है। ADM साहब ने कप्तान साहब से बात की और हम अभी जा रहे हैं कप्तान साहब से बात करने। हम ये चाहते हैं कि इस पे जो गरीब किसान के साथ अन्याय हुआ है उनको तत्काल प्रशासन रिहा करे, उनके साथ न्याय करे और जिस भी अधिकारी ने ये हरकत की है, जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा मजाक किया है, उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर ऐसी कार्रवाई 7 दिन में नहीं होती है तो हम DM साहब के आवास यहाँ ऑफिस पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम हाईकोर्ट जाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम लड़ते रहेंगे इन लोगों से। तो भाई साहब धर्मेंद्र यादव और बबलू ने बकायदा माथे पर टीका लगा लिया है और बता दिया कि देखो भैया देखो, हम तो बकायदा न्याय दिला कर आएंगे चाहे जितना लड़ना झगड़ना पड़े। वैसे भाई साहब आप देखना यही कि प्रशासन कम कार्रवाई करती है। आगे भाई साहब आपको आदर्श रावत की खबर दिखाते हैं, क्या बताएं, फतेहपुर तहसील से बहुत बड़ी खबर भेज रहे हैं। थाना दिवा पड़ता है भाई साहब और ग्राम पंचायत भाई साहब पड़ता है टीकापुर करके, वहां पर भाई साहब गैस सिलेंडर फटने से घर में इतनी तेज सुबह सुबह आग लग गई कि पूरे क्षेत्र में भाई साहब हड़कंप मच गया। क्या बताएं, स्थानीय लोगों ने भाई साहब आग पर काबू पाया, बता रहे थे कि भाई साहब मेंथॉल की तेल थी, मोटरसाइकिल थी, सब कुछ भाई साहब घर गृहस्थी जलकर राख हो गई, कुछ होने बीजी। कहा बता देख लो भैया कलेजा कहाँ उठा। सूचना मिलते ही भाई साहब मौके पर दिवा पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में थी। फिलहाल भाई साहब बाराबंकी के लिए ABN News रिपोर्ट की ब्यूरो रिपोर्ट।